नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ फूल के गजरों की कहानी। आपने दक्षिण भारत की तरफ तो देखा होगा कि लड़कियां हो या महिलाएं, वहां पर गजरा जरूर लगाते हैं। गजरा नहीं तो कोई ना कोई फूल उनके बालों में लगा रहता है, वह बालों की सजावट को भी रखता है। और कहते हैं कि फूलों की हर किसी फूल की कोई ना कोई विशेषता होती है, चाहे वह गुलाब हो या फिर चमेली। और उनकी क्या विशेषता है जानिए इस वीडियो के दौरान। पर एक चमेली का फूल। चमेली के फूल में एक अच्छी खुशबू आती है, जिसकी वजह से वह फूलों का राजा, फूलों की रानी मानी जाती है। और कहा जाता है यदि बालों में गजरे के रूप में अगर चमेली के फूल का प्रयोग किया जाए तो वह आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आता है और नई खुशियां भी लेकर आता है। नंबर दो, गुलाब। गुलाब प्यार या जुनून का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई लड़की अपने बालों में गुलाब का फूल लगाती है तो इसका मतलब है कि वह अपने प्यार को बता रही है या दर्शा रही है या वह अपने जुनून को बता रही है। नंबर तीन, गुलदाउदी फूल। गुलदाउदी फूल एक खुशी का प्रतीक होता है। अगर कोई लड़की अपने बालों में गुलदाउदी का फूल लगाती है तो इसका मतलब ये है कि वह लड़की अपने परिवार में खुशियां लाने की सोच रही है। नंबर चार, गुड़हल। गुड़हल का फूल शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए गुड़हल का फूल हम काली माता के सामने रखते हैं, क्योंकि काली माता एक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए गुड़हल का फूल, अगर आप कमज़ोर हैं और आप अपने आप को शक्तिवान बनाना चाहते हैं तो आप गुड़हल का फूल ही अपने बालों में यूज़ करें। फूलों का अपना एक प्राचीन महत्व होता है, जिसके अनुसार वह अगर अपने बालों में यूज़ करती हैं उन फूलों को तो वह अपने घर में समृद्धि और धन की प्राप्ति करती हैं। कहा जाता है जो लक्ष्मी माता को चढ़ाए जाने वाले फूलों में से यदि वह अपने घर में वह फूल लेकर आती हैं या फिर अपने बालों में गजरे के रूप में प्रयोग करती हैं तो वह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी घर छोड़कर कहीं नहीं जाती, जिस घर में फूलों का महत्व माना जाता है। तो ये है फूलों का महत्व। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।